हेलो स्टूडेंट, अगर आप सीयूटी 2022 के स्टूडेंट, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यस गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल हुए हैं सीयूटी 2022 फॉर्म फिलिंग के दौरान, जहां पर लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपने प्रेफरेंसेस फिल किए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी, बच्चों का सेकेंड चॉइस होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपने प्रेफरेंसेस फिल किए हैं सीयूटी 2022 फॉर्म फिलिंग के दौरान। सो चलिए एक रैपिड और क्विक कंपैरिजन करते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में। सो मैं ट्रीट करूंगा कि आप एक आर्ट्स के, कॉमर्स के या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विच यूनिवर्सिटी विल बी द बेटर चॉइस फॉर यू। सबसे पहले मैं बात करूं आर्ट स्ट्रीम के, तो देखो आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए देयर इज नो डाउट कि इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर हम बात करें, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स वाले जो कोर्सेज है, डीयू विल बी बेटर, डीयू इज फार बेटर देन द बीएचयू। लेकिन अगर हम बीएचयू की बात करूं, इफ यू वांट टू डू द बीए इन संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी एंड फिलोसफी, तो हमारा जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फार बेटर देन डीयू। यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। फिर मैं बात करूं साइंस स्टूडेंट की, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज यू नो प्राइमरीली नोन फॉर दी ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले कोर्सेज, मेजरली कॉमर्स वाले कोर्सेज। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जो बीएचयू है, बीएचयू इज स्लाइटली अहेड देन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, साइंस वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा चॉइसिस होती है, वो वहाँ पर साइंस वाले बच्चों के ज़्यादा प्लेसमेंट है। फिर बात करें हम कॉमर्स की, सो कॉमर्स में ऑब्वियसली बात है डीयू इज स्लाइटली बेटर देन दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉप कॉलेजेस, जैसे हमारा SRCC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सो ऑल दीज कॉलेजेस हैव द यू नो वेरी गुड प्रोग्राम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो यहाँ से बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, दैट्स वाई फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट डीयू जो है पहली चॉइस होती है और जो पीएचयू है वो सेकेंड चॉइस होती है। फिर बात करें अकेडमिक की, मतलब किस तरह से स्टडी का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, सो मतलब इन बोथ दी यूनिवर्सिटीज दीज आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब दोनों जगह आपको फैकल्टीज अच्छे मिलते हैं, दोनों जगह ही आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट दोनों जगह से सेम ही होते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। फिर बात करें हम कैंपस एक्सपीरियंस की, सो देखो बीएचयू ऑफर्स द बेटर कंपेरिजन, बेटर आई हैव टू से फार बेटर एक्सपीरियंस देन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस। जी हाँ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस है बहुत ही अच्छा कैंपस है, मेन कैंपस और ऑफ कैंपस है, जैसे कि हमारा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो बीएचयू का बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पास पास कॉलेजेस, बहुत ज़्यादा पास पास कैंपसेस है और बहुत ही सुंदर एक कैंपस है बीएचयू का। फिर हम बात करें देखो टॉप कॉलेजेस, देखो अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन केस अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज नहीं मिलता है, देन योर सेकंड प्रेफरेंस मस्ट बी दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो ऑल दी पीपल हु आर फिलिंग अप दी दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म थ्रू इट्स को CSES कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल, सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ कीप चेकिंग दी बीएचयू वेबसाइट ऑल्सो, वेयर बीएचयू एडमिशन पोर्टल विल बी अनाउंस सून गाइज। सो दिस इज वॉट इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू गिव यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज मुझे थोड़ा फीवर है, थोड़ा बुखार है और कोल्ड भी हो रखा है, लेकिन फिर भी यार वीडियो आपके लिए बनाना तो बनता है, बिकॉज दिस इज द कंसर्न ऑफ योर करियर। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एडमिशन गाइज। थैंक यू।